हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और पुच्चू की तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं अभी उठ चुकी हूँ और तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बुखार हो गया है मुझे और मेरे पुच्चीड़ा को, हम दोनों को फीवर हो गया है। और आज आज डे है, गुरुवार है और आज ऑफिस जाना है। कल मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला है तो कल मैं घर से करूँगी काम। परसों तरसों 2 दिन छुट्टी है और बुखार में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा कि घर पे मैं आराम से 2 दिन चार चाय बना के पी लूंगी। और पुच्ची कुछ बोलना चाहता है बीच बीच में, कुछ बोलोगे नहीं कुछ आपको? और मैं अभी सुबह सुबह अक्षय को पूछने वाली हूँ एक बड़ी बात, बड़ी सी बात है। लो बेबी, सबको गुड मॉर्निंग बोल दो पहले। गुड मॉर्निंग। काफी टाइम से हम लोग ब्लॉग में नहीं बना पा रहे हूँ इस इंसान की वजह से, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट नहीं करता है कि ब्लॉग बना। नहीं तो मैं रोज ब्लॉग बनाती थी पहले सुबह से शाम तक, और अंदर से एक मोटिवेशन भी रहता था। इस इंसान की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ आजकल, इस इंसान की वजह से। तो मैं गुड मॉर्निंग के साथ में दिखा देती हूँ मेरे कान्हा जी को। कान्हा जी भी सबको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कान्हा जी को कल रात को मैंने मन से सुलाया था, मैं आके इनको प्रॉपर सुला नहीं पाई। और मेरा कुकुड़ा को दिखाती हूँ, गुड मॉर्निंग कोको, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और घर एकदम व्यस्त व्यस्त के साथ में, और किचन नहीं, बर्तन है भाई, एक बर्तन है किचन में। सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले सबसे पहले मैंने कहा कि पुच्चू को पहले खाना खिला देती हूँ। ये आजकल इतना नाटक करने लग गया है खाना खाने में, इसको ऐसे उल्टा करके सुलाते हैं ना हमारे साइड सर करके, तो ये नहीं सोता है। तो इसको ऐसे सामने की साइड कुछ पकड़ाना पड़ता है, फिर धीरे 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 करके इसको पिलाती हूँ। बहुत नाटक करने लग गया आजकल। अभी मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि क्या खाना बनाऊं सुबह सुबह। और इन जनाब को आजकल क्या बहुत ज्यादा कैमरा में आने के शौक होने लग गया है, तो इनको छोड़ो शौक। सब्जी में गोभी है, कैप्सिकम है, अंडे है और कुछ नहीं है। तो आज 11 है तो अंडे तो बनेगा नहीं, और गुरुवार भी है तो अंडे नहीं बना सकते। थोड़ा सा कद्दू भी है, कैप्सिकम, गोभी बनेगा और कुछ ऑप्शन नहीं है बनाने का। तो दो गोभी फटाफट बना देती हूँ। एक चीज बताओ, इसको अभी बहुत जोरदार की पोटी आई है और इसके पापा भी बाथरूम में है। बता बुच्चू क्या करे?
पे दूध गरम कर चुकी हूँ और सब्जी भी जो है लगभग बन गई है, गोभी की सब्जी है। और रोटी आज हम लुखी रोटी खा रहे हैं बिना घी के, और वो खाने का रीज़न ये है हमें जुखाम हो गया है इस वजह से। और ये इंसान कुछ बोलना चाहेंगे? खुद के लिए चाय बनाऊंगा, आजकल बीवी पे डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ मैं। खाना चाय बनाना, ये रोटी भी बना देना इसको थोड़े टाइम से, पलट लेना। झाड़ू पोछा भी कर दूँ? नहीं झाड़ू पोछा नहीं करना बेबी, झाड़ू पोछे के लिए आपने बीवी रखी हुई है ना आपकी, क्या आपने क्या बात कर ली यार ऐसे जी से। और पुचूड़ा जो वहाँ पे, इसके लिए ये बना दिया है मैंने आटे में दूध रोटी डाल के, ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद थोड़ा थोड़ा करके इसको खिलाना है स्नैक्स की तरह। हम दोनों के लिए तो मैं इतना डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, बात यह है कि अभी हम आज वापस जा रहे हैं हमारे फेवरेट ढाबा में, खंडेलवाल रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नहीं सॉरी ढाबा है तो। और पुच्ची भाई भी रेडी है जाने के लिए, पापा कर दो पापा नहीं करना, ओ मैं भी सही में पापा कर दो। तो बस अब पुच्ची को थोड़ा तैयार करना है, तैयार करके फिर हम दोनों तीनों निकल लेंगे। और पूछ के पापा कुछ बोलना चाहोगे आज? मैं क्या जा रहा हूँ बाहर कोको को घुमाने के लिए, मेरा यही काम है। और आज जो स्पेशल डे हम नहीं बताने वाले क्या है, लेके ये आई थी कोको को, और काम उसका कुछ नहीं करती है, वो सब मेरे को करना पड़ता है। और ये पुच्चु को आप लेके आए थे मेरे पेट में, और इसका काम सारा मैं करती हूँ। तो चलो पुच्चू को तैयार करते हैं, चले पुच्ची तैयार तैयार हो जाते तैयार। वापस हमारी जगह पे कुछ मजा देखो कैमरा की तरफ। आज यूजुअल जो कुछ है हमारे पास भी बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे ये व्यवस्था बहुत ही अच्छा है कि आप सेल्फ सर्विस में आप छाछ मंगवा सकते हो, और छाछ के साथ में आप इसमें बहुत कुछ डाल सकते हो, जैसे कि जीरा पाउडर वगैरह हो गया। ओए ओए क्या बात है, लड़कों वाली स्टाइल में एकदम मर्दान की बचपन से भरी हुई है शरीर के अंदर, अभी हार्मोन ज्यादा है मेरे अंदर इस वजह से। ऐसा है क्या? और मेरे अंदर फीमेल हार्मोन्स? यस सही बात है। उसी को छाछ पिला सकते हैं क्या? ठंडा है नहीं पिला? ठंडा थोड़ा कम हो तो पिला सकते हैं। हमारी छाछ रेडी हो चुकी है। एक्चुअली यहाँ का जो मिर्ची है, ये मिर्ची है छाछ के साथ में, आप मिर्ची खा सकते हो। यहाँ की मिर्ची जो है बहुत ही टेस्ट लगता है, साथ में आप व्हाइट कलर के प्याज मिलता है आपको, ये बहुत टेस्टी लगता है। साथ में आपको मूली भी मिलता है, मूली भी खा सकते हो आप, बहुत अच्छी लगती है। हाँ? और बैठ के बकवास भी कर सकते हो, वो सबसे फाड़ू पार्ट है। बस हम वेट ही करेंगे कब खाना आएगा और हम खाएंगे। अब क्या वेट जो है ना वो खत्म हो गया है। और मोक्स को देखो, अभी है ना मैंने प्लेट में ये रखा है और इसके हाथ में पहले से एक है, तो देखते ये क्या करता है। ये छोड़ दिया इसने, अरे वाह एक मुंह में है दूसरा।
बच्चे के छुट्टा करने में मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं लगता, यू वाली फीलिंग नहीं आती है। एक्चुअली ढाबे में खाने का जो मज़ा है ना, वो आप भले ही फाइव स्टार में चले जाओ वो मज़े नहीं आएंगे। सस्ता सुंदर टिकाऊ के साथ में मज़ेदार टेस्टी, वही मैं बोल रही हूँ टेस्टी। हाँ भैया रख दो, कोई बात नहीं। हमारा फिक्स रहता है सेव टमाटर, तो क्योंकि यहाँ का सेव टमाटर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे आज सेव मसाला है। अलग है क्या कुछ? क्यों? वाला है। दूध वाला। चलो अब ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम घर पे आने के बाद में क्या, पुच्चू और पुच्चू के पापा ये क्या कर रहे देखो। और पुच्चू आजकल धीरे धीरे ट्राई करने लग गया खड़ा होने का। इसको एकदम इस तरीके से रखते हैं ना तो धीरे से दो सेकेंड तीन सेकेंड तक खड़ा रहता है, उसके बाद गिर जाता है अपने आप ही। ज्यादा बदतमीजी नहीं पुच्चू, नो नो ऐसे नहीं करते। तो दोस्तों फाइनली हम जाके खाना खा के आ चुके हैं, अब इसको खाना खिला रहे हैं। और बात ऐसी है कि क्या हुआ आपको, अच्छा नहीं लगा? नहीं मैं कुछ और बोलने वाला था, बाद में बोलूंगा। तो दोस्तों हम खाना खा के आ चुके हैं और आने के बाद में आज जो पुच्चू का पेट भरना सबसे जरूरी है, जो कि इसको खाना खिला रही हूँ मैं। और इसको अभी नाटक आ रहे धीरे धीरे कि अब नहीं खाऊंगा मैं। तो हाँ, और खिलाऊ नहीं खिलाऊ? बस और नहीं खिला रही, बस हो गया हो गया हो गया, और नहीं खिला रहे। अब बर्पिंग बर्पिंग करेंगे, ठीक है? इसको ये बिंदी लगाने का क्या मतलब हुआ? पुच्ची को बिंदी लगाने का मतलब ये है कि वो कभी कभी लड़की भी दिखना जरूरी है, ताकि मेरे मन से निकल जाए कि हाँ मेरे पास एक लड़की नहीं हुआ। हाँ बस 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 बस। तो हम खाना वाना खा चुके हैं और खाके तो आई गए। और सेम ही बात क्या बोलूँ, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है बताइए, कुछ और ऐड करना चाहिए तो भी बताइए। और बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है, सबको गुड नाइट बोलेगा। गुड नाइट। बाय, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। गुड बाय, तब तक के लिए गुड बाय बाय।